ओम शांति। आज की साकार मुरली 12 अक्टूबर 2020। 11 मुख्य बातें हम आज देखेंगे आज की मुरली में, उनका मनन चिंतन करेंगे। नंबर एक, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने। क्या सिखलाने आए हैं? तैरना। क्योंकि हमने इस भव सागर को पार करना है तो तैर कर पार करेंगे, तो तैरना किसको सीखना है? जो तैरना तैराक को सीखना है, जो तैराक सीखना चाहता है किसको सीखना है? आत्मा को। हाँ, अब हाँ, आगे तैरना किसको सीखना है? आत्मा को सीखना है, क्योंकि पार जाना है आत्मा को, ना कि शरीर को। शरीर चाहे कुछ भी कर लो, तैर कर तो आत्मा को ही पार जाना है, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते। क्योंकि ये दुनिया है दुख की दुनिया, नरक की दुनिया, फिर यही बनेगी सुख की दुनिया, परंतु पहले हमें इस दुख की दुनिया से पार जाना है। तो पार किसको जाना है? आत्मा को जाना है, और तैर कर जाना है। किसमें तैरना है? पानी में नहीं तैरना। ज्ञान दिया गया उस पे अमल करके। हाँ, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके हमने इस नरक से पार जाना है। क्योंकि अब हमें ये संसार रोक नहीं सकता, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ जानी नहीं, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे ये शरीर हो, चाहे कोई संबंधी हो, कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इस रास्ते को तो हम आत्मा ने खुद अकेले ही पार करना है। तो फिर क्या होता है, जब हम इस दुनिया से पार चले जाते हैं, कितनी वंडरफुल लाइन है, तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है, यही नरक फिर पुनः स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि हमें फिर क्या करना है, पहले हमें इस नरक की दुनिया से अलग होना है, न्यारा होना है, कमल फूल की तरह। तो जब हम कमल फूल की तरह इस संसार से न्यारे हो जाते हैं, तो ये संसार हमारे लिए फिर स्वर्ग बन जाता है, फिर हम इस संसार में आते हैं। तैरने का मतलब है अपने जीवन को अवगुणों से मुक्त कर देना, बुराइयों से मुक्त कर देना, नरक से परे चले जाना, जिसको गरुड़ पुराण में कहा कि विषय वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। ठीक है, उसमें बड़े बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, टिन्नन होते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो ये संसार है। अब इसको जो गौ का दान करता है, जो अपने आप को आत्मा समझ लेता है, वो सहज पार चला जाता है। जो अपने आप को आत्मा नहीं समझता, उसे देह में रहता है, उसे इस दुख में, विषय वैतरणी नदी में, विषय विकारों की नदी में दुखी होना पड़ता है। जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा क्लब कोई की मदद लेने की भी राय लेने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, हाँ, जो बाबा के मददगार बनते हैं, ठीक है, दुनिया बदल जाती है। और जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं, उन्हें बाप ऐसा बना देते जो आधा कलप कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में उनकी बुद्धि इतनी क्लियर होती है, उनका निर्णय इतना क्लियर होता है, उन्हें किसी से सलाह लेने की जरूरत ही नहीं रहती। लेने वाला ना देने वाला। हाँ, वहाँ मंत्री होता नहीं, सतयुग में मंत्री नहीं होता। मंत्री तब होता है, मंत्री का काम है सलाह देना। सलाह देने वाला तब चाहिए जब राजा खुद फैसला ना कर सके। जब राजा खुद फैसला नहीं कर सकता, तब मंत्री रखता है, राजा और प्रजा। हाँ, नंबर तीन, वहां पर घर घर में दीपमाला रहती, घर घर में क्या रहती है? दीपमाला। दीपमाला का मतलब क्या है? सबकी ज्योति जग जाती है, सबकी ज्योति ज्ञान की,
है ना, मेन पावर से ज्योति जगती है। मेन पावर है शिव बाबा, शिव बाबा आकर सब की ज्योति जगा देते हैं। दुनिया में भी दिवाली मनाते हैं, एक बड़ा दिया बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे दिए उस बड़े दिए से जला के रखते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं हूँ मेन पावर, आकर सब आत्माओं की ज्ञान की ज्योति जगाता हूँ। नंबर चार, दुनिया में इस बेहद के नाटक को का कोई को पता नहीं। बेहद, बेहद माना कंप्लीट, जिस बेहद में जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं या जिसको नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि आंखों के देखने की हद है, ठीक नहीं, ऐसी भी चीजें, ऐसी भी दुनिया के वो सीन जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, वो सारा का सारा यूनिवर्स बेहद है। दुनिया में इस बेहद के नाटक का किसी को पता नहीं, क्योंकि यदि पता लग जाए, यहां तक कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी बन गए, परंतु फिर भी उन्हें बेहद के नाटक का अभी क्लियर नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। बेहद माना पूरी यूनिवर्स का ये नाटक 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। चाहे कोई कितना भी दूर ग्रह उपग्रह सूरज चांद तारे जो भी किसी भी पिंड पर, ठीक 5000 साल बाद वो इस समय वही होंगे, अगले 5000 साल बाद भी इस समय वही होंगे जहां अब है। हर 5000 साल बाद इस समय वही होते हैं जहां अब, चाहे वो छोटे से छोटा आइटम हो, चाहे कोई बड़ी से बड़ी चीज हो, हर चीज, क्योंकि बाबा ने एक लाइन वंडरफुल कर दिया है कि ये वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। ये बेहद का ड्रामा है, ये भी समझते हो और कोई कह ना सके सिवाय बाबा के बच्चों के, ये बात कोई कह नहीं सकता। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करें, ड्रामा का वर्णन कैसे करें, वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि बताने वाला हो ना, पहले क्या था फिर क्या था फिर क्या था, शुरू से अंत तक सारा सुनाने वाला हो, ठीक है, कैसे करें। नंबर पांच, मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि, पर तो अर्थ नहीं जानते कि पत्थर बुद्धि किसे कहते हैं और पारस बुद्धि किसे कहते हैं। पत्थर बुद्धि बिल्कुल ना समझ, समझ में के ना आए, वो पारस जो सोने को, जो लोहे को सोना बना, सोना। पत्थर बुद्धि जिनके पास सत्य ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव क्यों हुआ, क्योंकि विकारों में जाने के कारण, एक विकार नहीं सारे विकार, विकारों में जाने के कारण पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर बुद्धि होना माना सातों गुणों से विहीन होना, ज्ञान प्रेम शांति आनंद पवित्रता सुख शक्ति, ये सातों गुण जिसके जीवन से गायब हो जाते हैं वो पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। पारस बुद्धि जो इन गुणों से संपन्न हो जाते हैं, परमात्मा से ये सातों गुण लेकर संपन्न बनते हैं, वो है पारस बुद्धि, क्योंकि वो सोना बना सकते हैं, वो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना सकते हैं, सोने के लायक बना सकते हैं, स्वर्णिम दुनिया के लायक बना सकते हैं, परंतु दुनिया वाले ये अर्थ, इस प्रकार से दुनिया वाले अर्थ नहीं जानते। छठा पॉइंट है, झाड़ से नंबर वार आत्माएं आती हैं। कितने झाड़ हैं? झाड़ तो एक ही है जो फल वृक्ष है, उसके पार्ट बता रहे, झाड़ दो है, दो झाड़ है, एक सीधा है, हाँ, एक है परम धाम, परम धाम में आत्माओं का झाड़ है,
उसे कहते हैं निराकारी आत्माओं का झाड़। ये निराकारी झाड़ के बारे में बात किया, झाड़ से नंबर वार आत्माएं आती रहती हैं। तो परम धाम है, परम धाम में ऊपर एक बिंदी, फिर तीन बिंदियां, फिर दो बिंदियां, फिर ढेर सारी बिंदियां, ठीक है ना। वो भी एक पेड़ की तरह है ना, ठीक है ना। वो पेड़ है आत्माओं का, वो आत्माएं, वहां से आत्माएं नीचे आती हैं। सबसे पहले सतयुग में आत्माएं नीचे आई, त्रेता वाली आत्मा नीचे आई, द्वापुर वाली आत्मा नीचे आई, कलयुग वाली आत्मा नीचे आई। जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं तब परमात्मा सबको वापस लेके जाते हैं। फिर दूसरा झाड़ का पेड़, नीचे वाला जो झाड़ है वो है मनुष्य शरीरों का झाड़, मनुष्य धर्मों का झाड़। क्योंकि जैसे ही आत्माएं नीचे आती जाएंगी तो मनुष्य का झाड़ नीचे बढ़ता जाएगा, जैसे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियन धर्म वाली आत्माएं आ गई, बुद्ध आया तो बुद्ध धर्म को मानने वाली आत्मा। हाँ, उसी में झाड़ जगह, दूसरे वाले में झाड़ कहते हैं ट्री को। ट्री दो प्रकार के बताए, एक है आत्माओं का ट्री, एक है मनुष्य शरीरधारियों का, धर्म पिताओं का, धर्मों का ट्री। पहले सतयुग में ले जाते हैं, फिर त्रेता में ऐसे ऐसे बढ़ते जाते, वो दूसरा है। हाँ, दो झाड़ है, उल्टा एक ना, एक सीधा से दिखाया, एक उल्टा दिखाया, ठीक। फिर बीच में जा कैसे सकते, जो आत्मा परम धाम से आ गई जबकि बाप ही यहाँ है, तो वो आत्मा अपने घर जा कैसे सकती है। जब तक बाप ना आए तब तक कोई आत्मा वापस परम धाम नहीं जा सकती। आते अपने अपने नंबर वार अलग अलग हैं, परंतु जाति सब आत्माएं परमात्मा के साथ। घर का रास्ता सिवाय परमात्मा के कोई दिखा नहीं सकता। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितनों के, कितने को तकलीफ होती है। अब एक बच्चा यदि गलती कर दे क्या कहेंगे, सारे ब्रह्मा कुमार खराब है ना। एक चावल कच्चा, एक चावल गंदा, तो सारे ब्रह्मा कुमार खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो एक के कारण कितना नाम बदनाम होता है, कितने को तकलीफ होती है। दूसरे को आने नहीं देंगे, दूसरे कहें उधर मत जाना ब्रह्मा कुमार में, सारे बेकार होते हैं। एक के कारण कितनों को तकलीफ होती है, इस बात को विशेष अटेंशन देना है कि मैं बेशक ज्ञान में नहीं चलना चाहता हूं, ना जाऊं, परंतु मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे बाबा का नाम बदनाम। भी तुम नहीं जाना चाहते मत जाओ, वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो ऐसा आते भी रहो, गलत काम करते भी रहो, तो उससे जो बदनामी होगी। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं तुम्हें जंगलों में ले जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए इस गृहस्थ को आश्रम बनाने के लिए। सतयुग में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, और अब क्या हो गया है, आश्रम जंगलों में चले गए और गृहस्थ क्या बन गए, ई लगा दे उस गृहस्थी, फिर क्या बोलते हैं, हम हैं गृहस्थी, हम नहीं कर सकते। गृहस्थी माना गिरी हुई हस्ती। बाबा क्या कहते, गृहस्थी माना गिरी हुई हस्ती। बड़ा रोते हुए कहते हैं भाई हम तो गृहस्थी हैं, क्या करें। ठीक है, तो हमने गृहस्थी नहीं बनना, अब हमने गृहस्थ आश्रम बनाना है, गृहस्थ को आश्रम बनाना है। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं, तुम तो राजाओं को भी कहते हो, तुम अपने घर गृहस्थ को तो आश्रम बनाते हो और राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबल सिरताज थे, तुम पूज्य थे डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो, अब बाप फिर से पूज्य बनाते। बाप आपको क्या बना रहे हैं, फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। वे बाबा आया है हमें पूज्य बनाने के लिए, तो हमें बनना चाहिए ना। नौ,
बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। काम क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं, सेवा को प्रैक्टिकल करें। टाइम तो लगता है ना, बिना टाइम के तो नहीं, क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, बैठकर सोचेंगे नहीं, तब तक तो होगा भी नहीं, है नहीं? तो हमें विचार सागर मंथन करना है कि कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। 10 वरदान है आज का, त्रिस्मृति। शब्द देखा आपने क्या है? त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। 3 स्मृतियां रखनी है, 1-2 नहीं, ठीक है? 3। तो बाबा कहते रोजाना 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। तिलक एक लगाओ परंतु 3 बातें याद आए, 3 बातें याद आए, ठीक है? 1, मैं आत्मा बिंदी हूं। 2, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी बिंदी है। 3, ये संसार का ड्रामा भी जो हो गया बिंदी, फुल स्टॉप। तीन में ये तो हमेशा ही ध्यान रहे, हमेशा ये तिलक सवेरे सवेरे लगा देना है। मैं आत्मा बिंदी, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा बिंदी, और संसार में जो कुछ भी हुआ उसको भी बिंदी। क्योंकि फिर कब होगा वो? 5000 साल बाद होगा। अब मैं क्यों अपना वर्तमान खराब करूं? उस बीती हुई बात को बिंदी, हाँ, बीती अच्छी हो तो भी याद नहीं करना, खराब हो तो भी याद नहीं करना, खराब हो तो भी याद नहीं करना। जो हो गया है वो हो गया है, वो 5000 साल बाद फिर रिपीट होगा, क्यों अब हम अपना दिमाग खराब करें? तो ये तिलक लगाएंगे तो संपूर्ण विजय, फिर आपकी विजय निश्चित है। क्योंकि मैं आत्मा, मेरा साथी कौन हो गया? स्वयं परमात्मा, और ड्रामा मेरे को पता है। आज का स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रख। क्योंकि जब हमें प्राप्तियां सामने होती है ना, खुशी होती है। 8 प्राप्तियां, हाँ, सारी कोई भी प्राप्ति, आपको क्या मिला बाबा के पास आने से? आपको फायदा क्या हुआ है? वो 8 प्राप्तियां अलग है, वो 8 शक्तियां हैं, 8 शक्तियां है ना, ये प्राप्तियां हैं। उन शक्तियों के आधार से मेरे को सहनशीलता मिली है, मेरे को धैर्यता मिली है, मेरे को मधुरता मिली है, मेरे अंदर व्यवहार कुशलता आई है, मैं व्यसनों से मुक्त हो गया हूँ, मैं व्यर्थ से अपने आप को मुक्त कर लेता हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी दुखी नहीं होता हूँ, ये प्राप्ति है ना। तो ये जब प्राप्तियाँ याद रहेंगी तो आगे खुशी रहेगी, और फिर जो हमारी कमजोरियाँ हैं वो दूर होती है, विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज खत्म होती जाएंगी। मैंने इतनी कर ली है तो ये भी हो जाएंगी भाई, 10 कर ली है तो 10 और भी तो खत्म हो जाएंगी ना। ओम शांति।